हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिजारो ने WWE को क्यों छोड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे HK WWE WrestleMania 38 के अपोनेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे AJ Styles WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किया उसके बारे में। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है WWE WrestleMania 38 नाइट 1 और नाइट 2 का जो WWE नाम चेंज करने का सोच रही है उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेफ हार्डी का जो AEW ज्वाइन करने के बारे में अपडेट आया है उसके बारे में। और लास्ट में हम बात करेंगे बॉबी लैशली के इंजरी अपडेट के बारे में और क्या वो मेडिसन स्क्वायर में WWE का जो लाइव इवेंट होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है वो है फॉर्मर WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन स्विस सुपरमैन सिजारो के बारे में। तो सिजारो जो हैं उन्होंने अब WWE छोड़ दिया है और अब वो WWE का पार्ट नहीं है। उनका WWE से डिपार्चर का रीजन ये बताया जा रहा है कि WWE ने जो सिजारो को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसमें उनका जो पे था वो सिजारो को बहुत ही कम लगा अगर उसे वो दूसरे सुपरस्टार के साथ कंपेयर करें जैसे कि AJ Styles, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन से। उन्हें लगा कि WWE उन्हें बहुत कम पे कर रही हैं और इसी वजह से WWE और सिजारो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर एग्री नहीं हुए और इसी वजह से सिजारो ने WWE को कह दिया है अलविदा। तो बढ़ते हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं HK WWE WrestleMania 38 के अपोनेंट के बारे में। तो लास्ट वीक के मंडे नाइट रॉ में हमने देखा कि एज ने एक इन रिंग प्रोमो करा और उसमें रॉ के पूरे लॉकर रूम को एक ओपन चैलेंज दिया और इस प्रोमो में एज ने हिंट दी कि वो WWE WrestleMania 38 में या तो डेमन प्रीस्ट, कोडी रोड्स या फिर वो AJ Styles को फेस कर सकते हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि एज का जो WrestleMania 38 का अपोनेंट होगा वो WWE ने पहले से ही फाइनलाइज कर लिया है और कुछ अलग रिपोर्ट्स में ये सामने आ रहा है कि WWE कोडी रोड्स का रिटर्न करवाएगी और एज वर्सेस कोडी रोड्स हमें देखने को मिलेगा WrestleMania 38 में। एंड डेव मेल्टसर के अकॉर्डिंग एज का WrestleMania 38 में या तो कोडी रोड्स के साथ मैच हो सकता है या फिर AJ Styles के साथ। सो टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन विच मैच यू वांट फॉर एज एट WrestleMania 38। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो है हमारे फिनोमिनल वन AJ Styles के बारे में। सो WWE ने कर लिया है AJ Styles को रिसाइन और इस नए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब AJ Styles रहेंगे WWE में 3 और साल के लिए और हर साल उन्हें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली $3 मिलियन। तो AJ Styles का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो WWE के साथ खत्म होने वाला था इस समर को, लेकिन WWE ने AJ Styles को पहले ही एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जिसे AJ Styles मना नहीं कर पाए और अब जो AJ Styles है वो रहेंगे WWE में 3 और साल के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है AJ Styles के फैंस के लिए। नेक्स्ट जो हमारी अपडेट है वो है WWE WrestleMania 38 को लेकर। तो WrestleMania 38 जो है वो होने वाला है 2 नाइट का शो और अभी तक जो है WWE इसे कहती थी WWE WrestleMania 38 नाइट 1 एंड नाइट 2, लेकिन अब WWE का प्लान है WrestleMania 38 नाइट 1 और नाइट 2 का जो नाम है वो चेंज करने का। तो अब जो नया नाम होगा WrestleMania 38 नाइट 1 और नाइट 2 वो है WrestleMania सैटरडे और WrestleMania संडे, यानी कि अब WWE ने नाइट 1 एंड नाइट 2 को हटा दिया है और जो न्यू नेम हो गया है वो है WrestleMania सैटरडे और WrestleMania संडे जो होगा April 2 और April 3 को। नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी है WrestleMania 38 को लेकर ही। सो WWE ने ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज जो मैच होने वाला है चैंपियन वर्सेस चैंपियन विनर टेक्स ऑल एट WrestleMania 38 को कर दिया है ऑफिशियल WrestleMania संडे के लिए, यानी कि ये मैच हमें देखने को मिलेगा WrestleMania संडे April 3 को और ये मैच होगा उस नाइट का मेन इवेंट। बढ़ते हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो है जेफ हार्डी के AEW को ज्वाइनिंग को लेकर। तो दिसंबर में WWE ने कर दिया था जेफ हार्डी को रिलीज और उसके बाद ऐसे र्यूमर सामने आ रहे थे कि जो जेफ हार्डी हैं वो अपने ब्रदर मैट हार्डी को AEW में ज्वाइन करेंगे। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन जो जेफ हार्डी है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि आई एम ज्वाइनिंग AEW और उन्होंने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हैं इस बात को लेकर। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन हम यह नज़र लगा सकते हैं कि जेफ हार्डी जो हैं वो जल्द ही AEW को ज्वाइन करेंगे। और बढ़ते हैं हमारे आज की लास्ट अपडेट की तरफ जो है बॉबी लैशली के बारे में। तो बॉबी लैशली जो है वो कम्पीट करने वाले थे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक WWE के लाइव इवेंट के लिए अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर फॉर द WWE चैंपियनशिप, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में बॉबी लैशली इंजर्ड हो जाते हैं और ऐसी न्यूज़ सामने आती है कि जो बॉबी लैशली है वो आउट ऑफ एक्शन रहेंगे कम से कम 4 मंथ्स तक। तो अब सवाल ये है कि ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट MSG में कौन करेगा कम्पीट। पिछले हफ्ते रॉ में हमने देखा कि पॉल हेमन जो हैं ब्रॉक लेसनर को कहते हैं कि अगर बॉबी लैशली MSG में कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो वो उनके लिए एक नया अपोनेंट ढूंढ के लाएंगे और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो लाइव इवेंट होने वाला है उसका जो एडवर्टाइजमेंट WWE कर रही है उसमें भी सिर्फ WWE ने इतना ही कहा है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, लेकिन किसके अगेंस्ट वो अभी तक WWE ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा है। WWE ने रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस भी इस इवेंट के लिए अनाउंस किया था पहले, लेकिन अब ये मैच भी कैंसिल हो चुका है
और जो रोमन रेंस हैं अब किसी और सुपरस्टार के अगेंस्ट अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच लड़ेंगे। तो ये थे WWE से जुड़े कुछ अपडेट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।